वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हो चुका है हम लोगों का। फर्स्ट लेक्चर एक बार देख ले, रिकैप कर ले। पहले क्या किए थे हम लोग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है, उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है, उसके बाद फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन का आधा होके रखा है, राइट। तो चैप्टर 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड लेक्चर, लेट्स गो। ओके, फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन में पहला वाला तो करा चुके हैं हम लोग पहले लेक्चर में। कम्युनिकेशन इज एसेंशियली अ टू वे कम्युनिकेशन, फर्स्ट वाला पॉइंट हम लोग देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे, कम्युनिकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, चलता रहता है कम्युनिकेशन, रुकता नहीं है कभी। उसके बाद कम्युनिकेशन कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस टू। ओके, सो कम्युनिकेशन डज नॉट ओनली हैव आइडियाज और फैक्ट्स, दे हैव बोथ आइडिया फैक्ट्स इमोशंस ऑल टुगेदर। कम्युनिकेशन हैज दैट, इजंट इट। तो कम्युनिकेशन जब हम लोग करते हैं ना, तब क्या होता है हमने दिमाग में, फैक्ट्स रहता है, आइडियाज रहता है, इमोशंस रहते हैं, उसी के साथ हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। अगर गुस्सा वाला इमोशन हो तो गुस्से वाले कम्युनिकेशन करते हैं यार, और अगर अच्छा वाला इमोशन हो, हैप्पी वाला इमोशंस हो, तो अच्छे तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। खत्म हो चुका है ये तीन। नेक्स्ट हम लोग देख ले चार नंबर क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है, डायनेमिक का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। इट इनकॉर्पोरेट्स द चेंजिंग शेप ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड द एनवायरनमेंट। हाँ, एनवायरनमेंट जैसा हो और पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, मतलब कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्वर्सेशन में। ठीक है, कम्युनिकेशन करने में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और एनवायरनमेंट माहौल कैसा है वो डिपेंड करता है, इजंट इट। तो जैसे माहौल चेंज होता है वैसे कम्युनिकेशन भी चेंज हो जाते हैं, जैसे पार्टिसिपेंट्स चेंज होते हैं कम्युनिकेशन भी चेंज हो जाता है। पकड़ लो मम्मी के साथ आप बात करो एक तरीके से, और छोटा भाई के साथ बात करते हो आप दूसरे तरीके से, इजंट इट। और अगर एनवायरनमेंट का बात कर लो, या शादी में बात होता है दूसरी तरीके से, शादी में अगर आप चले जाओ, ठीक है, कहीं भी शादी हो रहा है, यार अंकल, हेलो अंकल, हेलो अंकल, और उसी अंकल को अगर आपने शादी के बाद देख लिया कहीं पे बाजार में, मार्केट में, तो आ अंकल, कैसा हो अंकल, सब ठीक है ना अंकल, आ एकदम बढ़िया, ऐसे करके निकल जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो कम्युनिकेशन डिफरेंट होता है यार एनवायरनमेंट के हिसाब से, समझ में आ रहा है। कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, इट इनकॉर्पोरेट्स द चेंजिंग शेप ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड द एनवायरनमेंट, समझ में आ रहा है, इजी है। उसके बाद देख लिया हम लोग, कम्युनिकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो हमेशा हम लोग कम्युनिकेट करते हैं किस चीज के लिए, यार एक गोल रहता है कम्युनिकेशन में, एक गोल रहता है, इसने एक गोल होता है। आपके पास कोई आइडिया रहता है, कोई मतलब मोटिव रहता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो। आप अगर पापा को जाके कुछ बता रहे हो, पापा को मतलब बहुत सेवा कर रहे हो पापा का, तो मतलब पापा समझ जाते हैं कि हाँ यार इसका कुछ गोल है, कुछ मोटिव है, यहाँ पे आया है मेरे पास, आके बहुत अच्छा अच्छा कर रहा है, मतलब पैर दबा दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मतलब कुछ तो एक गोल होगा। तो आप पापा के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जाते हो किस वजह से, एक गोल लेके, इजंट इट। योर कम्युनिकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, और किसी के भी साथ, ठीक है, आप कोई दोस्त के साथ बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, बिकॉज यू हैव अ गोल, इजंट इट। नाउ कम्युनिकेशन कैन बी इफेक्टिव इफ बोथ द सेंडर एंड रिसीवर आर अवेयर ऑफ द गोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड देयर इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ देयर गोल। देखो सिंपल सा बात है, अगर जो सेंडर है, मैंने कम्युनिकेट करने के लिए जो सेंडर है, दो बंदे होते हैं, एक होते हैं सेंडर, एक होते हैं रिसीवर। ठीक है, एक होते हैं सेंडर, एक होते हैं रिसीवर। तो ये जो सेंडर और रिसीवर है, दोनों को एक्टिव रहना पड़ेगा, इजंट इट। अगर सेंडर पकड़ लो आज मैसेज भेजा, और रिसीवर ने वो मैसेज उनको उसको मिला एक हफ्ते बाद, तो कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से नहीं होता, बहुत ही पोअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल चिट्ठी, पहले वाले दिनों में क्या होता था, चिट्ठी आज भेज रहा हूँ तो एक हफ्ते बाद जाता था, ठीक है, मिलता था बंदे को एक हफ्ते बाद। तो आज भी कुछ स्पेशल नहीं है, हाँ आज थोड़ा पैसे ज्यादा दे दो, स्पीड पोस्ट से भेज दो, ये कर दो वो कर दो, थोड़ा जल्दी चला जाता है, लेकिन फिर भी डिले तो होता ही है ना। तो पहले के जमाने में क्या होता था, बहुत भयंकर डिले होता था, एक महीना लग जाता था कभी कभार, तो क्या हो जाता है कि कम्युनिकेशन बहुत ही बेकार हो जाता था, इजंट इट। तो सेंडर और रिसीवर को कम्युनिकेशन अगर अच्छा होना चाहिए ना, तो सेंडर और रिसीवर को दोनों के एक्टिव रहना चाहिए, मतलब रिसीवर को भी अच्छे तरीके से मतलब फटाफट मिल जाए, और सेंडर को भी फटाफट वो सेंड कर दे पाए, ठीक है, और ऑफ द गोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड देयर इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ देयर गोल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी। नाउ कम्युनिकेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। नाउ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का मतलब क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। हाँ भाई, कम्युनिकेशन आपके, देखो साइंस का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ साइंस का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग व्हाट इज अराउंड अस इज साइंस, इजंट इट। एवरीथिंग वी आर वॉकिंग, यू आर टॉकिंग, वी आर प्लेइंग, वी आर सिंगिंग, वी आर बाथिंग, वी आर डूइंग दिस, वी आर ईटिंग,
we are digesting, we are doing whatever we are doing, it is science, isn't it? So communication is also a interdisciplinary science. इसका मतलब क्या? Interdisciplinary science का मतलब क्या? आपके अंदर में जो साइंस है, ठीक है, तो आप पकड़ लो, आप अलग ही दिग्गज बंदे हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर एन एक्सपर्ट, यू आर एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी, ठीक है, तो आपके अंदर में तो अलग ही साइंस चल रहा होगा, isn't it? और आप एक्सपर्ट हो एंथ्रोपोलॉजी में, तो आपके अंदर तो अलग ही साइंस चल रहा होगा, ठीक है. तो उसको जो बंदा लेखक है इसका, तो उसने क्या मतलब बताने का कोशिश कर रहा है कि देखो, नॉलेज derived from several sciences used in communication. Obviously, यार, it is an interdisciplinary science. मतलब क्या है कि देखो, knowledge derived from several sciences used in communication. हर तरीके से, हर जगह से हम लोग knowledge जो capture करते हैं, वो use करते हैं हम लोग क्या करने के लिए? Communicate करने के लिए. For example, मैं एकदम easy तरीके से अपने ही बिरादरी का बात करता हूँ, ठीक है. For example, the CS student. Okay, you are a CS. You are a practicing company secretary. पकड़ लो, आपने CS ED clear कर लिया, उसके बाद आपने executive clear कर लिया, professional clear कर लिया, training खत्म हो चुका है. Now you are a practicing company secretary. तो क्या हो जाएगा? आपके पास क्या knowledge है? आपके पास क्या knowledge है? Law का knowledge है, ठीक है. Law is also backed upon science, isn't it? So law का knowledge है. तो आपका जो law का knowledge है, वो knowledge आप कैसे use करते हो? वो आप कैसे यूज करते हो? आपके पास जो बंदा आएगा पूछने के लिए कि सर, मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करूं, तो आप उस बंदे को बताओगे कि यार, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होता है, कैसे किया जाता है कंपनी इनकॉर्पोरेट, कंपनी कैसे बनाया जाता है, कैसे स्टाब्लिश किया जाता है. तो आप तो आपके नॉलेज से आप उसको बता रहे हो ना. तो दैट इज द थिंग, नॉलेज डिराइव फ्रॉम सेवरल साइंस इज यूज इन कम्युनिकेशन, ठीक है. कम्युनिकेशन में आप यूज करते हो अपने नॉलेज को. फॉर एग्जाम्पल, आर्थ्रोपोलॉजी, ठीक है. आंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि देखो, बॉडी स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, हम लोग बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है. उसके बाद साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी स्टडी ऑफ पर्सुएशन, परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स, ठीक है. साइकोलॉजी में ये पढ़ाई होता है. उसके बाद सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ये भी साइंस है. सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है? स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, ठीक है. तो हैव प्रोवाइडेड इनसाइट टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेट effective, ठीक है. ये importance of communication next topic है, इसको ignore करो. तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, importance of communication, ठीक है, क्योंकि ये next topic है. next topic में हम लोग देखने वाले, अभी तक यहां से यहां तक होना है, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है, समझ में आ रहा है. ओके, ना हम लोग क्या समझे कि देखो, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस जो कुछ भी है, स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, हैव प्रोवाइडेड इनसाइट टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव. समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है. तो यही बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन में डिफरेंट साइंटिफिक बैकग्राउंड से हम लोग नॉलेज इकट्ठा करने के बाद वी कम्युनिकेट विद वन अनादर. इज़न्ट क्लियर इनफ, ठीक है. नेक्स्ट देखिए हम लोग, इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. यार, इम्पॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन का? इम्पॉर्टेंस क्या है ये बताओ, फटाफट बताओ, कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इम्पॉर्टेंस क्या है? इंक्रीज इन साइज. इंक्रीज इन साइज में हम लोग क्या समझेंगे? देखो, इंक्रीज इन साइज, तो इसमें सर, ये इसमें क्या समझ में आता है? जैसे जैसे आपका बिजनेस फार्म बड़ा होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका जो वर्कर्स है, लेबरर्स है, एम्प्लॉयज है, उनको आपको ज्यादा एम्प्लॉय करना पड़ेगा, ज्यादा आपको मतलब एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, ठीक है. तो आपकी इन टोटल, आपका जब बिजनेस बड़ा होता जाएगा, उतना लोग बड़े मतलब ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ते रहेंगे आपके बिजनेस में, इज़न्ट इट? तो वहां पे इतने बड़े स्केल में आप बिजनेस कर रहे हो, अगर वहां पे कम्युनिकेशन ना हो तो क्या हो जाएगा? समझो, एक बार सोचो, अगर वहां पे कम्युनिकेशन ना हो तो क्या हो जाएगा? भयंकर युद्ध हो जाएगा, ठीक है. अगर लेबर्स के बीच में, ठीक है, और तुम्हारे पकड़ लो लेबर्स के बीच में और तुम्हारे जो मैनेजमेंट है उसके बीच में अगर झगड़ा हो जाए, किस वजह से? कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा यार? तो क्या हो जाएगा? बिजनेस तो फ्लॉप ही होना है ना. तो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जैसे जैसे तुम्हारा साइज बड़ा होता है बिजनेस का, वैसे वैसे तुम्हारा कम्युनिकेशन का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है. एक बार देख लेते हैं यहाँ पे. ओके, business firms have grown tremendously in scale of operations. A large business firm today
employs thousands of people and has operations in different parts of the world. An effective system of communication is required to carry out its activities across successfully. ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन इसका मतलब क्या होता है? देखो, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन इसका मतलब क्या होता है, हम समझ लेते हैं यहाँ पे एक चीज। देखो, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होती है, मतलब एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स इन सम पर्टिकुलर फील्ड्स, इज इट, एक्सपर्ट्स इन सम पर्टिकुलर फील्ड्स। नाउ ये हम लोग कैसे समझेंगे? देखो, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि पकड़ लो, आपके पास आपका एक कंपनी है, इसमें दो डिपार्टमेंट तो रहेगा ही रहेगा, एक है सेल्स डिपार्टमेंट, एक है सेल्स डिपार्टमेंट और एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये दो तो रहेगा ही रहेगा, इसने एक क्या है सेल डिपार्टमेंट और एक क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और अब आपको क्या समझना है कि आपको ये समझना है कि ये जो सेल डिपार्टमेंट है, ये जो सेल डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये दोनों को हैंड बाय हैंड मतलब अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने के बाद ही उनको कोई काम करना है। क्योंकि देखो, अगर सेल डिपार्टमेंट का ड्यूटी क्या है, उनका ड्यूटी यही है कि उनको अच्छे तरीके से सेल करना है, उनके ज्यादा से ज्यादा तरीके से सेल करना है, ठीक है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ड्यूटी क्या है, वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो भी सेल करना है वो प्रोड्यूस करते हैं। पकड़ लो, ऐसा हो गया कि सेल डिपार्टमेंट ने बहुत भारी एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कैपेसिटी के बाहर हो, तो क्या हो जाएगा बताओ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे वो चीज? नहीं कर पाएंगे, फ्लॉप हो जाएगा, पूरा पूरा फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। तो समझो एक चीज, तो यहां पे समझो एक चीज, सेल डिपार्टमेंट क्या है, एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो भी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं था, ठीक है। सेल डिपार्टमेंट में भारी मात्रा में क्या ले लिया, उन्होंने ऑर्डर ले लिया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल दिया सेल डिपार्टमेंट को, ये पॉसिबल नहीं है भाई, तुमको पहले समझना चाहिए था, पहले मुझको पूछना चाहिए था, आपने ऐसे पूछ के मतलब ले लिया, रॉ मटेरियल्स है नहीं अभी, तो हम लोग प्रोड्यूस कैसे करें, ठीक है। तो ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, जब ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन का बात आए तो ऐसे लिख देना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? एक बार देख लेते हैं। नैरो डिविजन्स ऑफ वर्क रिजल्ट्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज बीइंग हैंडल्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स साउंड्स कम्युनिकेशन इन एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग म्यूचुअल कॉपरेशन अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विदाउट विच नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन स्मूथली। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही पर है। देखो, देर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वही एग्जाम्पल लिखा है। देखो, बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल डिपार्टमेंट्स द सेल डिपार्टमेंट माइट बुक सच ऑर्डर्स दैट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फेल्स टू सप्लाई, ठीक है। तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट में क्या है, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट में क्या है बताओ फटाफट, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट में कोई भी आपका प्रोडक्शन मतलब कम्युनिकेशन ना हो, तो कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फेल हो जाएगा, विल फेल टू सप्लाई, विल कंप्लीटली फेल टू सप्लाई, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर इनफ। नाउ कट थ्रोट कंपटीशन क्या देख लेते हैं। देखो, कट थ्रोट कंपटीशन क्या है, हम लोग इसको समझना पड़ेगा कि कट थ्रोट कंपटीशन को कहता क्या है। कट थ्रोट कंपटीशन, व्हाट डू मीन बाय कट थ्रोट कंपटीशन? लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैव रिजल्टेड इन सेवरल कंपटीशंस अमंग पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स। पर्सुएसिव कम्युनिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एंड पब्लिसिटी बिकम्स essential to survive in the race of competition. सबसे ज्यादा important point यही पर है, last में बताया गया। देखो, personal contacts and publicity becomes essential to survive in the race of competition. इसका मतलब क्या बताओ फटाफट? देखो, समझो ये चीज अच्छे तरीके से समझो। अच्छा, अभी कट थ्रोट कंपटीशन तो चल रहा है, पता है ना आप लोगों को, कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, मतलब क्या कट थ्रोट कंपटीशन, मतलब भारी मात्रा में कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन जो हो रहा है बहुत ही भयंकर मात्रा में कंपटीशन हो रहा है। और अगर भयंकर मात्रा में कंपटीशन हो रहा है, कौन से सेक्टर्स में हो रहा है कंपटीशन? देखो, पब्लिक सेक्टर में बता लो, प्राइवेट सेक्टर में बोल लो, फॉरेन बैंक्स को लेकर बोल लो, कंपटीशन बहुत ही भारी मात्रा में चलता रहता है। तो अभी बात क्या है कि ये जो कंपटीशन चल रहा है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और फॉरेन बैंक्स के बीच में, तो हम लोग अपना जो बिजनेस है उसको कैसे सेटअप करने वाले हैं, हम लोग कैसे सक्सेसफुल रहेंगे बिजनेस को सेटअप करने में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इज़न्ट इट। तो यार, कट थ्रोट कंपटीशन तो चल ही रहा है, तो हम लोग कैसे कैसे अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाएंगे इस कंपटीशन में? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मतलब पब्लिक पर्सनल कॉन्टैक्ट,
पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एंड पब्लिसिटी बिकम्स एसेंशियल टू सर्वाइव इन द रेस ऑफ कंपटीशन. क्या क्या बताओ? पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एंड पब्लिसिटी बिकम्स एसेंशियल टू सर्वाइव इन द रेस ऑफ कंपटीशन. पर्सनल कॉन्टैक्ट्स कैसे सर? पर्सनल कॉन्टैक्ट से क्या हो जाएगा सर? अगर आपके पास पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है ना, तो आप बहुत कुछ कर पाओ. पता आप कर लो, आप सलमान खान को पहचानते हो, आपका बहुत जिगरी दोस्त है सलमान खान. तो सलमान खान क्या करेगा आपके लिए? क्या करेगा? आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो कंपनी, इसको प्रमोट करेगा ना सलमान खान. पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, पब्लिसिटी तो चाहिए. हाँ यार, पब्लिसिटी कोई भी, मतलब एक्टर को पकड़ लो, एक्टर को पकड़ के पब्लिसिटी करा दो, बस खत्म. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पर्सनल कॉन्टैक्ट रहना और पब्लिसिटी रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकम्स एसेंशियल टू सर्वाइव. अगर आपके पास कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट ना हो, आप पब्लिसिटी नहीं कर रहे हो, तो कौन जानेगा आपके कंपनी को? अगर आप बैनर नहीं लगा रहे हो, आप पब्लिसिटी में, आप एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं कर रहे हो, तो कैसे होगा? कंपनी ग्रो कैसे करेगा? पब्लिक को पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये हो जाता है एक बात, कट थ्रोट कंपटीशन में ये आ जाता है. ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, फटाफट मैं एक एग्जाम्पल से फटाफट बता देने वाला हूँ आपको, बस समझना ये चीज, ट्रेड यूनियन क्या है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट. ट्रेड यूनियन मूवमेंट में क्या होता है ना कि जैसे देखो, एक कंपनी में क्या रहते हैं? एम्प्लॉयज रहते हैं, ठीक है, लेबर्स रहते हैं, ठीक है, और क्या, ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयज का यूनियन, यूनियन मतलब भर के रहता है, इज़न्ट इट. तो एक कंपनी में क्या हो जाता है कि यार एम्प्लॉय का यूनियन रहता है, एम्प्लॉयज लोगों का यूनियन रहता है, कि जहां का एक डॉन निकल के आता है, जो कि मतलब लीडर रहता है, जो रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं हम लोग, ठीक है. तो यार एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि यार अगर एम्प्लॉयज ना, वो चाहे तो आपके कंपनी बंद भी हो सकता है. सर कैसे कंपनी बंद सकता है? देखो, एम्प्लॉय का जो यूनियंस है ना, वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बहुत ही पावरफुल रहते हैं. वो अगर बोल देंगे सबको कि कोई काम पर नहीं आएगा कल से, तो कोई नहीं आएगा काम पे, तो क्या क्या हो जाएगा? आपका कंपनी बंद हो जाएगा. तो उसको रोकने के लिए वी शुड हैव द मैनेजर्स. देखो, द मैनेजर्स एंड यूनियन ऑफिशियल्स, ठीक है, के बीच में रेगुलर एक्सचेंज होना चाहिए ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज. ठीक है, तो अगर आपका और यूनियन के लीडर्स के बीच में, ठीक है, मतलब रेगुलर कम्युनिकेशन रहेगा, रेगुलर कम्युनिकेशन रहेगा, तो क्या हो जाएगा? तो यार आपका जो हेल्दी रिलेशंस है ना, वो मेंटेन रहेगा, इज नॉट इट. हेल्दी रिलेशंस, यार कंपनी को एम्प्लॉयज चाहिए, एम्प्लॉयज को कंपनी चाहिए, दोनों के बीच में हेल्दी रिलेशन होगा तभी कंपनी ग्रो हो पाएगा. समझ में आ रहा है? कितना कंसेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट में जाए हम फटाफट. ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस का मतलब क्या है बताओ? देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज इज नेसेसरी टू डेवलप म्यूचुअल ट्रस्ट. ठीक है, तो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज के बीच में तो देखो म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत ही दरकार है, एंड कॉन्फिडेंस, इज़न्ट इट. तो पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड अदर एक्टिविटीज हेल्प्स टू डेवलप अमंग देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो आपका कंपनी है, आपके कंपनी में एम्प्लॉयज है, तो आप कोई भी मेजर डिसीजन ले रहे हो ना, तो अगर आप आपके एम्प्लॉयज को पूछोगे, उनका व्यू पॉइंट पूछोगे कि भैया आप लोग बताओ जरा, एम्प्लॉयज लोग, आप लोग जरा बताओ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करने से सही रहेगा, क्या करने से सही नहीं रहेगा, एक बार बताओ जरा, हमको भी लेना है आप लोगों का ओपिनियंस. तो एम्प्लॉयज लोग खुश हो जाएंगे, उनको लगेगा कि यार ये कंपनी अपना ही कंपनी है, सर लोग हमको पूछ रहे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए. आई शुड बी लॉयल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. देखो क्या लिखा है, बिलोंगिंग एंड लॉयलिटी. क्या हो जाएगा? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप हो गया, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन. समझ में आ रहा है? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा. किसके अंदर आ जाएगा? एम्प्लॉयज के अंदर. कैसे आ जाएगा? देखो, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड अदर एक्टिविटीज. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर एम्प्लॉयज लोग का पार्टिसिपेशन आप कराओगे, तभी हो पाएगा पॉसिबल, इज नॉट इट, तभी हो पाएगा ये पॉसिबल. नेक्स्ट देख लिया हम लोग, पब्लिक रिलेशनशिप. पब्लिक रिलेशंस मतलब क्या है? देखो, सोसाइटी आपसे बहुत ज़्यादा मतलब एक अरमान रखता है, मतलब उनको बहुत कुछ चाहिए होता है आपसे. सोसाइटी आपसे बहुत कुछ चाहिए होता है, तो अगर आप सोसाइटी को नहीं दे पाओगे ना, तो सोसाइटी खुश नहीं रहेगा आपसे, इसने पकड़ लो. क्या हो गया अभी यार? देखो, ये जो कोरोना वायरस का अटैक चल रहा है अभी, पूरा मतलब
पूरा मतलब भौकाली मच के रखा है पूरा इंडिया में। इंडिया में मतलब क्या, पूरा मतलब कंट्रीज में, एवरी कंट्रीज इन द एंटायर एंटायर वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम दिस कोरोना वायरस, राइट। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे जो बंदे हैं ना, दिग्गज बंदे हैं, वो लोग सामने आकर डोनेशंस कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। कौन कौन डोनेशंस कर रहा है देखो, रतन टाटा, ही हैव डोनेटेड 1500 करोड़। ओके, अक्षय कुमार, ही प्रॉमिस टू डोनेट अराउंड 20 to 25 करोड़। ओके, सलमान खान इज डोनेटिंग 25,000 वर्कर्स, मतलब वर्कर्स को, 25,000 वर्कर्स को वो डोनेट कर रहा है कुछ पैसे, इसने। तो ऐसे करके ना बहुत सारे बंदे, अंबानी, ही इज व्हाट ही इज डूइंग, ही इज बिल्डिंग अ हॉस्पिटल, कोरोना वायरस हॉस्पिटल। उन्होंने कोरोना का एक हॉस्पिटल ही खोल दिया कि वहां पे बस कोरोना का पेशेंट को ही ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तो सोसाइटी के लिए जब वो लोग कुछ कर रहे हैं ना, सोसाइटी के लिए जो वो कर रहे हैं वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, अगर सोसाइटी वो सोसाइटी के लिए ऐसा ना करे ना, तो सोसाइटी उनकी फेवर में कभी नहीं रहेगा। तो सोसाइटी के लिए हमेशा कुछ करना चाहिए, ठीक है, पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल एसेट। देखो पर्सनल एसेट, कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन अच्छा क्यों है, एक कोई भी बंदे का अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है ना, अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है ना, वो उसके लिए एक पर्सनल एसेट होगा, ठीक है, वो उसके लिए सबसे बड़ा पर्सनल एसेट होगा कम्युनिकेशन स्किल। कोई भी नेता लोग देख लो, कोई भी टीचर्स देख लो, प्रोफेसर्स देख लो, कोई भी देख लो जो भाषण देते हैं, उनका जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स देख लो, उनका कम्युनिकेशन स्किल होता है एकदम मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे, है कि नहीं। तो वो एक पर्सनल एसेट्स है, उस पर्सनल एसेट को यूज करके ही वो माला माल हो रहा है, इज नाइट। कोई भी नेता पकड़ लो यार, भाषण दे दे के मतलब करता तो कुछ है नहीं, भाषण ही देता है, तो भाषण इतना मतलब। हिटलर को पकड़ लो यार, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट कौन था, हिटलर था। उसका जो वो जो भाषण देता था ना, तो क्या होता था पता है यार, वो पूरा हिप्नोटाइज कर लेता था पूरे क्राउड को, पूरे भीड़ को वो हिप्नोटाइज कर लेता, उसके भाषण में इतना पावरफुल भाषण देता था वो। समझ में आ रहा है, वो एक पर्सनल एसेट्स है, ठीक है, ठीक है। तो एक बिजनेस बिजनेस को रन करने के लिए भी आपका पर्सनल एसेट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इज अ पर्सनल एसेट फॉर यू। नेक्स्ट हम लोग देख ले कम्युनिकेशन प्रोसेस, किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, क्या लिखा है, डेवलप एन आइडिया, इट इज एन आइडिया और थॉट विच द सेंडर विशेस टू ट्रांसमिट, दिस इज द की स्टेप, अनलेस देर इज वर्थ फाइल मैसेज टू कम्युनिकेट ऑल फर्दर स्टेप्स आर रेंडर्ड यूजलेस। देखो आप अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, किसी के साथ बात करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना पड़ेगा ना, वो चीज आएगा ना कि यार मैं बात क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सबसे बड़ा की स्टेप है, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की स्टेप है। क्या है की स्टेप है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, की स्टेप है ये, इज नाइट, दिस इज द की स्टेप। सबसे पहले क्या करना, एक विश होना चाहिए सेंडर के दिमाग में, आइडिया होना चाहिए, थॉट होना चाहिए कि वो कोई मैसेज ट्रांसमिट करेगा, मतलब वो कोई मैसेज भेजेगा, ये दिस इज द की स्टेप, इजन इट। नाउ अनलेस देयर इज अ वर्थ वाइल मैसेज टू कम्युनिकेट ऑल फर्दर स्टेप्स आर रेंडर्ड यूजलेस। और अगर आपके पास कोई भी, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट मैसेज ना हो, मतलब बेकार का मैसेज हो, बेकार का मैसेज आपको देना है, ठीक है, तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा ना वो बेकार ही रहेगा, ठीक है। ऑल दी स्टेप्स आर रेंडर्ड यूजलेस। तो एक आइडिया होना चाहिए कम्युनिकेशन करने के बीच में ना, बेकार में बातें मत किया करो। कोई कोई लोग हम लोग देखते हैं ना कि पट 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 करते रहते हैं, मतलब कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब हमको सुनना है कि नहीं वो भी नहीं सुनना उनको, उनको बस बोलना है। तो क्या हो जाता है कि उनका जो एक एक कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ना, वो मतलब यूजलेस हो जाता है, क्योंकि सामने वाला बंदा तो सुन ही नहीं रहा है, क्यों सुनेगा भाई, उसको सुनना नहीं है ना। तुम जो बोल रहे हो ना वो बेकार वाले बातें हैं, तुम्हारे पास में कोई अच्छा आइडिया नहीं है, थॉट्स नहीं है रेंडर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है एनकोड। व्हाट डू मीन बाय एनकोड, टेल मी, एनकोड का मतलब क्या है। इन दिस द आइडिया इज एनकोडेड विद सुटेबल वर्ड्स, चार्ट्स, सिंबल्स फॉर ट्रांसमिशन। एट दिस पॉइंट द सेंडर डिटरमाइंस द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। देखो सबसे पहले बात तो हमको पता है कि बहुत सारे वेज है ऑफ कम्युनिकेशन, इज इट, साइंस, सिंबल्स, बिहेवियर्स, ठीक है। तो यार जब जब आप कोई मतलब मैसेज मैसेज, ठीक है, सेंड करते हो, ठीक है, मैसेज सेंड करते हो, उसको क्या करना है,
उनको डिकोड करना होता है। ठीक है, डिकोड और इनकोड का मतलब क्या होता है? इनकोड मतलब क्या होता है, एक मतलब मैसेज तैयार करना, और डिकोड मतलब क्या होता है, मैसेज को समझना। ठीक है, तो आप जब एक आइडिया इनकोड करते हो विथ सुटेबल वर्ड्स, आप आइडिया बनाते कैसे हो, दिमाग में आइडिया लाते कैसे हो, आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, बहुत सारे वर्ड्स सिंबल्स चार्ट सिंबल्स कुछ भी हो, मतलब वो बना के मिला के जोड़ के उसके बाद वी ट्राई टू कम्युनिकेट, इज इट। तो सेंडर को ना तभी समझ में आ जाता है, तब समझ में आ जाता है कि आप कौन से वे में ट्रांसमिशन कर रहे हो, आप कौन से मेथड यूज कर रहे हो, आप सिंबल्स यूज कर रहे हो या साइन यूज करते हो। तो वो एक एनकोडिंग प्रोसेस होता है। इनकोड मतलब क्या होता है कि आप, इनकोड मतलब क्या होता है कि आप भेज रहे हो एक मैसेज, और डिकोड क्या करता है, डिकोड मतलब क्या होता है कि आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, और मैं ये भी डिकोड कर रहा हूँ कि आप कौन से वे में बात कर रहे हो, आपके बात बोल के बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, या क्या आप लिख के कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर आप सिंबल्स दिखा रहे हो, साइंस दिखा रहे हो। ठीक है, नो ट्रांसमिट, व्हाट यू मीन बाय ट्रांसमिट, द फाइनली डेवलप्ड मैसेज इज ट्रांसमिटेड बाय द मेथड चूजन। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है भाई, इतना इजी चीज ना जिंदगी में तुम नहीं पढ़ोगे, मतलब आपके लाइफ गुजर जाएगा, लेकिन इतना इजी टॉपिक आप लोग कभी भी नहीं, मतलब कभी भी, मतलब आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी मौका मिल रहा है, पढ़ लो। पहला क्या, डेवलप एन आइडिया, एक आइडिया डेवलप करो, उसके बाद एनकोड करो, मतलब जोड़ो उस आइडिया को, जोड़ो कैसे आपको बोलना है वो जोड़ो, उसके बाद ट्रांसमिट करो। ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिट करो। ठीक है, ट्रांसमिट मतलब भेजो उसको, कि कोई भी एक कम्युनिकेशन प्रोसेस पकड़ो, मतलब फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू वॉट यू से सेंड द मैसेज ऑरली, और यू वॉन्ट टू राइट इट डाउन, और यू वॉन्ट टू शो सिम्बल्स। ठीक है, आप सिम्बल्स के साइंस से या फिर बिहेवियर से आप मैसेज भेजना चाहते हो, ये आपको ट्रांसमिट करना है। उसके बाद बंदा जो है वो रिसीव करता है, वो रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद डिकोड करता है। ठीक है, इजी है, क्लियर। इसमें देखो समझाने का कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है, बस गो थ्रू करना है इसको। फीडबैक, उसके बाद क्या होता है, फीडबैक मिलता है आपको, फीडबैक मिलता है कि नहीं, फीडबैक मिलता है, ऑब्वियसली फीडबैक मिलता है। फीडबैक नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आपके मैसेज का जो प्रोसेस है ना, मतलब वो अधूरा रह जाएगा। फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है। उसके बाद नॉइस, नॉइस का मतलब क्या है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन फेलियर इज कॉज बाय नॉइस। ठीक है, नॉइस का ध्यान रखना। अगर आप मतलब बहुत ही ओपन जगह पे, ठीक है, आप ओपन जगह पे, देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, मतलब यहाँ पे एक ये दे रहा हूँ, मतलब पूरे खुले मैदान में क्या हो रहा है कि ये बंदी जो है, ये लड़की जो है, ये दोनों लड़के को, मतलब शी इज ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज, ओके, शी इज ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज थ्रू द स्पीकर, इजंट इट। तो खुले मैदान में अगर वो दूर से अगर बताएगी, मतलब स्पीक करेगी, तो उन दोनों के कान में नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक स्पीकर यूज करके इज ट्राइंग टू स्पीक, और स्पीकर इतना लाउड है कि इन दोनों के कान बज रहा है। ठीक है, तो मतलब नॉइस का ध्यान रखना कि जब कम्युनिकेट कर रहे हो ना, कम्युनिकेशन तभी पूरा होता है जब सामने वाला बंदा सुन रहा होता है। अगर नॉइस ज्यादा हो तो सामने वाला बंदा कैसे सुनेगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो बहुत सारे इजी टॉपिक्स है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमको देखना है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, फेयर इनफ, ओके। देखो यहां पे क्या बताया गया है, देखो कि एज द की टू इफिशियंट बिजनेस लाइज पार्टली इन कम्युनिकेटिंग, ठीक है, एफेक्टिवली वी मस्ट देयर फॉर मेक ए कॉन्शियस एफर्ट टू मास्टर इट। एफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड्स मेनली ऑन थ्री थिंग्स, एफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड करता है मेनली तीन तीन चीजों पे। क्या है सर वो तीन चीजें, सर क्या है वो तीन चीजें, देखो, अंडरस्टैंडेबल मैसेज, क्रेडिबल टू द सेंडर, एंड हाउ द मैसेज इज अफेक्टिंग द रिसीवर। तीन चीज अच्छे से देखो, एक क्या है, नंबर वन क्या है, अंडरस्टैंडेबल मैसेज। नंबर टू क्या है, क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर। नंबर थ्री क्या है, मैसेज इज अफेक्टिंग दी रिसीवर। ठीक है, ये तीन चीज है, समझ में आ रहा है, दिस आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ एफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड, क्या कहा गया है कि एफेक्टिव
communications can be achieved by having a thorough knowledge of the communication process in an organization and also being aware of the various barriers that exist and taking relevant steps to overcome the same while keeping in focus the objective of the communication, whom it is meant for and under what circumstances is being made. क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? बहुत ही इजी चीज बताया जा रहा है यहाँ पे. इतना ही बताया गया कि देखो कम्युनिकेशन जो होता है ना वो सबसे ज्यादा, देखो एक बिजनेस में इफेक्टिव बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है? कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, इजंट इट? कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली. और वो तीन चीज पे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तीन चीज पे डिपेंडेंट रहता है. क्या क्या चीज है? अंडरस्टैंडेबल मैसेज. अंडरस्टैंडेबल मैसेज यार, मैसेज जो बोल रहे हो ना आप वो अंडरस्टैंडेबल तो होना चाहिए कम से कम. अंडरस्टैंडेबल मैसेज, अंडरस्टैंडेबल मैसेज, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल मैसेज. उसके बाद क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर, ठीक है. उसके बाद मैसेज इज अफेक्टिंग टू रिसीवर. तो यार मैसेज, मैसेज जो आप भेज रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है. और क्रेडिटिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर, और कौन बंदा सेंड कर रहा है वो भी पता होना चाहिए ना. उसके बाद मैसेज इज अफेक्टिंग द रिसीवर, रिसीवर को वो मैसेज अफेक्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब जिस पर्पज से आप भेज रहे हो मैसेज उस पर्पज के लिए वो हो रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है. दिस इज प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही इजी है. द सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या लिखा है? द सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सेवन सी, देखो एमसीक्यू है, आने वाला है, अच्छे से देखना. सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सबसे प्लस क्या है? क्लैरिटी, फिर कंप्लीटनेस, फिर कॉन्शियसनेस, उसके बाद कॉन्क्रीटनेस, उसके बाद कर्टेसी, उसके बाद करेक्टनेस, उसके बाद कॉन्सिडरेशन, ठीक है. फटाफट मेमोराइज करो, अभी भी, अभी अभी मेमोराइज करो. सबसे पहले क्या है? क्लैरिटी ऑफ द एक्सप्रेशन, कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्शियसनेस ऑफ मैसेज. यार आप क्या भेज रहे हो आपको पता तो है ना, कॉन्शियसनेस ऑफ द मैसेज. कॉन्क्रीटनेस इन प्रेजेंटेशन, अधूरा प्रेजेंटेशन नहीं, मतलब पूरा एकदम पुख्ता प्रेजेंटेशन आपको देना है. कर्टेसी टुवर्ड्स रिसिपिएंट, आपको पता होना चाहिए यार कौन रिसीव कर रहा है, इजंट इट? करेक्टनेस ऑफ फैक्ट, आपका फैक्ट एकदम करेक्ट होना चाहिए. कॉन्सिडरेशन फॉर रिसीवर, ठीक है. बहुत ही इजी सेवन सीज है. इस सेवन सीज को आपको अच्छे से आपको सेवन सीज, ठीक है, सेवन सीज याद रखना. तो ये सेवन सीज अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. अभी एक एक करके सेवन सीज हम लोग देखने वाले हैं, देख ले फटाफट. प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, ये क्या बताया जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी में? सर प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी देखो क्या बताया यहां पे, एक सेकंड. या कूल, देखो अ कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर सो दैट रिसिपिएंट कैन अंडरस्टैंड व्हाट द सेंडर रियली वांट्स टू कम्युनिकेट, ठीक है. तो एक कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए एकदम क्लियर, ठीक है. अ कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर सो दैट द रिसिपिएंट कैन अंडरस्टैंड व्हाट द सेंडर रियली वांट्स टू कम्युनिकेट. समझ में आ रहा है? क्लैरिटी होना चाहिए ना भाई, बातों में क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है. नाउ द सेंडर ऑलवेज डिजायर्स हाउ द रिसिपिएंट इंटरप्रेट्स द पर्टिकुलर मीनिंग व्हाइल यूजिंग द एग्जैक्ट सेम मीनिंग, ठीक है. फॉर दिस द सेंडर ओथ टू हेल्प टू मेक द पर्टिकुलर मीनिंग फ्री ऑफ एम्बिग्युटी एंड ऑल्सो वेगनेस. तो एम्बिग्युटी का मतलब क्या होता है? क्या यार आप जो बता रहे हो ना उसका अलग 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 मीनिंग नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए आपके बात में, ठीक है. वेगनेस का मतलब क्या होता है? कि यार क्लैरिटी रहना, ठीक है, मतलब कंफ्यूज ना कराना. समझ में आ रहा है? क्लैरिटी ना हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं मतलब वेगनेस. समझ में आ रहा है? तो वेगनेस नहीं होना चाहिए, एम्बिग्युटी नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए आपके बात का, हजारों मीनिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, डबल मीनिंग बातें मत किया करो. ऑल्सो वेगनेस का मतलब क्या होता है? कि क्लैरिटी रहना चाहिए आपके बातों में, ठीक है, मतलब क्लैरिटी ना रहना, उसको कहते हैं हम लोग वेगनेस. तो ये दोनों चीज नहीं होना चाहिए कॉन्वर्सेशन में, ठीक है, फ्री ऑफ एम्बिग्युटी एंड ऑल्सो वेगनेस, ठीक है. द फॉलोइंग टिप्स आर ऑफर्ड फॉर मेकिंग मीनिंग क्लियर. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो ये दो वर्ड एमसीक्यू में आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है.
ये होना चाहिए, ये यहाँ से भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, पिकिंग आउट द ब्रीफ, पिकिंग आउट द ब्रीफ एक्वेंटेड एंड ऑल्सो एफर्टलेस वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो मतलब जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस है वो अच्छी तरीके से आपको करना है, ठीक है, अच्छी तरीके से चूज करना है, पिकिंग करना है, ठीक है, मतलब चूज करना है जो आप बता रहे हो। पिकिंग आउट कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस रैदर देन पोएटिक टाइप्स। तो यार पोएट्री मत बता देना, पोएट्री तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बंदे क्या करते हैं कि यार डिक्शनरी लेके बैठ जाते हैं पोएट्री में। तो आप जो बात बता रहे हो ना वो पोएट्रिक बातें मत बताया करो, मतलब उसमें पोएट्रिक वर्ड्स यूज ना किया करो, थोड़ा सिंपल रखो वर्ड्स, थोड़ा अच्छे से बताओ, तभी कॉन्वर्सेशन अच्छा होगा, क्लियरिटी, प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी माना जाएगा। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टिंग सक्सेसफुल पैराग्राफ्स एंड ऑल्सो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। भाई ये तो बहुत ईजी है यार, आप सेल्फ स्टडी करोगे तब भी हो जाएगा। सप्लाइंग इलस्ट्रेशन केसेस अलॉन्ग विद विजुअल सपोर्ट्स वाइल अपीलिंग, ठीक है, विजुअल सपोर्ट देना तो बढ़िया बात है, कॉन्वर्सेशन में अगर आप कोई विजुअल सपोर्ट दे पाओ, विजुअली आप बता पाओ कि यार वो पता है वो याद था ना यार वो जो दिखता है ऐसे, तो विजुअल सपोर्ट अगर आप दे पाओ तो अच्छा होगा। स्टेइंग अवे फ्रॉम टेक्निक वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड ऑल्सो जॉर्गन्स। बड़ी मीन में जॉर्गन्स, जॉर्गन का मतलब क्या होता है भाई, जॉर्गन का मतलब क्या होता है, जॉर्गन का मतलब ये होता है कि स्पेशल वर्ड्स यूज करना, मतलब स्पेशल स्पेशल वर्ड्स यूज करना। अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो बहुत स्पेशल वर्ड यूज करते हो ना, वो यार कॉन्वर्सेशन में मत किया करो, स्पेशल वर्ड्स मत यूज किया करो, सामने वाले बंदे को समझने में आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। देखो द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, ठीक है, यहां से जो है ना यहां तक आपको सेल्फ स्टडी करना है, यहां से लेके यहां तक पूरा सेल्फ स्टडी करना है। वीडियो को पॉज करो, लिख लो, जो करना है कर लो, पूरा सेल्फ स्टडी करना है, बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा है। अगर इतना इजी टॉपिक हम लोग एक्सप्लेन करने लग जाए ना तो क्या हो जाएगा, अपना जो बाकी का सब्जेक्ट्स है वो रुक जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो फटाफट खत्म करना है एग्जाम्स, अपने को 1 महीने में एग्जाम्स क्रैक करना है पूरा, ठीक है। तो ये जो सारे है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियसनेस, देखो टफ टफ वर्ड हम समझा दे रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मीनिंग वर्डीनेस, वर्डीनेस मतलब क्या, कम्युनिकेटिंग व्हाट यू वांट टू कॉन्वे इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स विदाउट फॉरगोइंग द अदर सीज ऑफ कम्युनिकेशन। कॉन्शियसनेस इज अ नेसेसिटी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कम शब्दों में, कम शब्दों में आप अच्छे से बताओ, कम शब्दों में आप अच्छे से बताओ, कम शब्दों में आप अच्छे से बताओ, ठीक है। और फिर इसका जो फॉलोइंग फीचर्स है, फीचर्स आपको खुद से कर लेना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। उसके बाद देख ले हम लोग नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस मतलब क्या, देखो कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन इंप्लाइज बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर रादर देन फजी एंड जनरल। कॉन्क्रीटनेस स्ट्रेंथन्स द कॉन्फिडेंस, ठीक, कॉन्क्रीट मैना होना चाहिए ना, मतलब फजी नहीं होना चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए पूरा एकदम, एक अच्छा कम्युनिकेट वाला, कम्युनिकेशन वाला मैसेज होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, स्पेसिफिक फैक्ट्स बताओ, जो जितना बोलना है बोलो, मतलब जो बोल रहे हो ना आप, जो बोल रहे हो आप, जो कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहे हो आप, तो वहां पे जो है आपका फैक्ट्स लेकर आओ, फिगर्स लेकर आओ, कॉन्क्रीट बताओ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, सामने वाला बंदा आपको बता दे कि यार तेरा मैसेज तो फेक है, तो आप कॉन्क्रीट मैसेज लाओ, फैक्ट्स लाओ, ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेट करो। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कर्टिसी, प्रिंसिपल ऑफ कर्टिसी का मतलब क्या भाई, देख लिया हम फटाफट, कर्टिसी इन मीनिंग इंप्लाइज द मैसेज शुड शो द सेंडर्स एक्सप्रेशन एज वेल एज शुड रिस्पेक्ट द रिसीवर, ठीक है। द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी सिंसियरली पोलाइट ज्यूडिशियस रिफ्लेक्टिव एंड एंथुसियास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब कर्टिसी मतलब क्या आ रहा है कि मतलब जो सेंडर है, दो बंदे होते हैं पता है आपको, सेंडर होता है रिसीवर होता है, जो सेंडर है उसका क्या इमोशंस है बताने का, जो किस तरीके से वो बताना चाहता है, जो इमोशंस है वो इमोशंस अच्छे तरीके से इम्प्लाई करना चाहिए, वो इमोशंस अच्छे तरीके से इम्प्लाई करना चाहिए, ठीक है, इमोशंस अच्छे तरीके से दिखना चाहिए कि हाँ यार ये इमोशन है, ठीक है। और रिसीवर को रिस्पेक्ट दे के बताना होगा, रिसीवर को रिस्पेक्ट दे के बताना होगा, मैसेज कॉन्वर्सेशन मैसेज किया जाता है, ठीक है। इसका जो फीचर्स है, फीचर्स पढ़ लेना यहाँ से, तो इसका जो फीचर्स है, फीचर्स पढ़ लेना यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, फीचर्स पढ़ लेना। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस,
प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस का मतलब क्या है? देखो भैया, प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन इम्प्लाइज दैट देयर आर नो ग्रामेटिकल इरर्स, नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल इरर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक रीड रीड करना, उसके बाद है कॉन्सिडरेशन फॉर रिसीवर, कॉन्सिडरेशन फॉर रिसीवर, इसका मतलब क्या है? कॉन्सिडरेशन फॉर रिसीवर, कॉन्सिडरेशन इम्प्लाइज स्टेपिंग इन टू द शूज ऑफ अदर। सर ये मतलब क्या है सर, स्टेपिंग इन टू द शूज ऑफ अदर? जो जो देखो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट टेक दी ऑडियंस इन टू कॉन्सिडरेशन। देखो आप जो कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहे हो ना, ट्राई कर रहे हो, ठीक है, आप जो कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहे हो, तो जो रिसीवर है उसको कंसीडर करो यार। रिसीवर क्या सोच रहा है, क्या सोचता है, क्या उसका विचार है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, वो सब समझ के यू हैव टू कम्युनिकेट। अगर आप सब्जी वाला ठेले वाले को जाकर आप बोलोगे कि ब्रो प्लीज गिव मी सम ब्रोकली, तो बंदा बोलेगा कि यार सर क्या बता रहे हो सर। अगर उसको बोल दो कि ब्रोस गिव मी सम लेडी फिंगर्स, तो बड़ा पुलिस को फोन कर देगा, बोलेगा बंदा बोल रहा है लेडी फिंगर देने के लिए, हम उसको लेडी फिंगर कहाँ से दे, ठीक है, ये कातिल है। तो कम्युनिकेशन ऐसा करना है जो सामने वाला बंदा है उसको समझना पड़ेगा आपको, उसके शू में पैर डाल के देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली, नहीं प्रैक्टिकली शू में पैर डाल के नहीं देखना है, मतलब ये कहावत है कि वो किस पोजीशन पे है, उस पोजीशन को समझ के उसके बाद यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम। क्लियर है बात? इजी है, यहां से लेके यहां तक रीड। तो भाई और बहनों आज के लिए इतना तक ही, हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं ये वाला लेक्चर, ठीक है। और कितना वीडियो में खत्म हो जाएगा? लगभग 1 से लेके 2 मैक्सिमम जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, वीडियोस में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। बहुत ही भयंकर वाला इजी चैप्टर्स है, ठीक है। तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर वक्त आपको डिफिकल्ट चैप्टर्स पढ़ना है, और डिफिकल्ट चैप्टर्स ही आएगा। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आज के लिए इतना तक ही, ठीक है, विल बी बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।